राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिष के समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज कर्ज के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ एक अद्भुत विलक्षण प्रयोग आपको मैं बताऊंगा कि कर्जे की स्थिति अगर आपके लिए जंजाल बन गई है, आपने कहीं से लोन लिया, कर्ज लिया, उधार लिया और आप चुकाना चाहते हैं लेकिन स्थितियाँ ऐसी नहीं बन रही हैं, तनावपूर्ण स्थितियां हैं, तो आप क्या करें? पहले ये समझिए दोस्तों कि दूसरे और 11वें घर का संबंध जब आपके 6ठे और 8वें घर से होता है या आपके 4थे घर का संबंध 6ठे या 8वें घर से होता है तब आप कर्ज के जंजाल में फंसते हैं। इसमें लगन और 12वें घर की भूमिका भी रहती है क्योंकि लगन आप स्वयं हैं, सभी भावों का फल आप खुद भोगते हैं और 12वां घर लीगल कॉम्प्लिकेशंस का और आपके खर्चों का भी रहता है। जनरली शनि मंगल राहु इनका जितना गहरा और नेगेटिव संबंध आपके 6ठे घर से होगा, कर चुकाना उतनी ही बड़ी आपके लिए एक चुनौती होगी। शनि मंगल और राहु का नेगेटिव संबंध आपको कर्ज के जंजाल में, जो कर्ज देकर खून चूसते हैं, कर्ज लेकर आपको देंगे और फिर खून चूसते हैं, ब्याज दर ब्याज, ऐसे चक्रों में आपको ये फंसा देगा। तो कैसा भी कर्ज हो, कारण कुछ भी हो, आप अगर चुकाना चाहते हैं, स्थितियां फेवरेबल नहीं हैं, आप एक विलक्षण प्रयोग नोट करें। हर रोज आप सूर्य उदय से पहले उठें जितना जल्दी हो सके और भगवान श्री हरि के सामने बैठें, नहा धोकर भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल अर्पण करें और 9 लड्डू और तुलसा दल का उनको भोग लगाएं और घी का दीपक जलाएं और आप लाल आसन पर बैठें या आसन पर लाल कपड़ा बिछा लें और अपने सिर पर पीला रुमाल या पीला तौलिया रख लें। इसके बाद आप श्रद्धा से प्रेम पूर्वक एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद से लिया हुआ गजेंद्र मोक्ष का पाठ अद्भुत विघ्न विनाशक है, संकटों को दूर करने वाला है। एक बार गजेंद्र मोक्ष और एक बार ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें, स्कंद पुराण से लिया हुआ, क्योंकि जितने भी झगड़े फसाद कर्ज कहीं ना कहीं मंगल उसकी जड़ में जरूर होता है। तो एक बार गजेंद्र मोक्ष, एक बार ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का आप पाठ करें और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दें, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने ऋण अपने कर्जों को चुकाने के लायक बन जाऊँ। इसके बाद आप लड्डू और तुलसा दल का सेवन कर लें और लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांटें भी। कुछ ही दिनों में दोस्तों आपको रास्ता आना शुरू हो जाएगा, इतनी अद्भुत स्तुतियाँ हैं ये। और इन स्तुतियों इस उपाय के लिए आपको किसी ज्योतिषी परामर्श की ज़रूरत नहीं है, बड़े तामझाम की ज़रूरत नहीं है। अगर कर्ज है तो बस आप कर लीजिए, कोई विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। कर्जे में परेशानी है आप कर लीजिए, सात्विक रहकर करिएगा, महिलाएं शुद्धि की अवस्था में ना करें। आपके घर में कोई परेशान है तब भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी एक रसोई है और उस रसोई में बनने वाले खाने का कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है तो आप उसके लिए कर सकते हैं इस प्रयोग को, इसके लिए किसी परामर्श की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, राम राम।